हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, सबसे पहली बात तो आज दीपावली के दिन में ही आपको पटाखे की आवाज आ रही होगी। तो आज के दिन हमने जो है एसिड बेस वाला चैप्टर आपके लिए दो पार्ट उसका बनाया, लगभग एक एक घंटे का है। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेटल नॉन मेटल के बारे में बताने वाला हूँ। अगेन आई रिपीट, मैं आपको एक बार फिर से बताते चलूँ कि हिंदी मीडियम का जो भी चैप्टर साइंस का है वो ऑलरेडी अपलोड है इसी चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बड़े आराम से देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर के इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे आपको और सारे चैप्टर्स के भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आज जो आप नॉन मेटल का अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे बता सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप अपने स्टडी को और अच्छा कर सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके। तो अगर आपको बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज़ आए, क्योंकि अभी 11:15 हो रहा है तो हमने पूजा पाठ सब अपना कर लिया, तो अभी क्या है कि पटाखे की आवाज आएगी तो आप इंजॉय करना। दिवाली आपको जब देखोगे वीडियो तभी आपको फील आएगा। और साथ में इस चैप्टर के हम पढ़ते हैं तो मेटल नॉन मेटल के बारे में जानने से पहले एक एक टर्म को हमें जानना पड़ेगा, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के बारे में, भैया मेटल होता क्या है। तो देखिए, अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल मीन्स व्हाट, मेटल का मतलब सर, मेटल मतलब कुछ कुछ ध्यान है, अभी पढ़ाया था आपने, मेटल से आयरन हो गया जिसको लोहा कहते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और भी कुछ होता है सर, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब सब मेटल है। अच्छा, वेरी गुड, ये सारे मेटल होते हैं। तो अभी क्या है कि मेटल के बारे में हम सीखेंगे, न्यू मेटल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बोर्ड पे इसको थोड़ा एक एक करके क्लियर करते हैं और हम इसको साथ में समझते चलते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में। मजा आने वाला है और बने रहिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो दो चीजें हम सीखेंगे बच्चों, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे और एक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये दो प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं मेटल नॉन मेटल। क्या क्या सीखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं और केमिकल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो उससे पहले बेसिक जरा मैं आपको बता दूं, बेसिक क्या कहता है कि ये होता है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। इसके अलावा मैटर क्या होता है, इसके दो हो गया, मैटर के अकॉर्डिंग आप बांटेंगे तो एक तो हो गया फिजिकल, है नहीं, फिजिकली, और एक हो गया केमिकल। एक फिजिकल आप बात करते हैं, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की आप बात करते हैं और आप केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। ये दो क्लासिफिकेशन जो है आपने पढ़ा होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, यहां पर जो फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, यहां पे फिजिकल क्लासिफिकेशन यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि ये तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसे हमें आगे नहीं पढ़ना है अभी इसमें। जबकि जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो दो तरीके का हमें पढ़ना होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर को हम लोग मिक्सर भी कहते हैं, मिक्सर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है आपका किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड होता है आपका मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में, राइट। बाकी इंप्योर, इंप्योर में जब आते हैं तो इंप्योर में क्या होता है, दो होता है, होमोजेनियस और हेटरोजेनियस। होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, एग्जाम्पल आपको बता के चलता हूं होमोजेनियस क्या होता है। आप सुगर प्लस वाटर लेते हैं तो ये होमोजेनियस बनता है, क्योंकि चीनी जो है घुल जाती है पानी में। लेकिन इसका एग्जाम्पल आप लेते हैं, यदि आप सॉइल, मिट्टी ले लेते हैं और प्लस वाटर लेते हैं तो दिख जाता है, इसलिए हेट्रोजेनियस हो गया।
खैर इससे आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें इस प्योर सब्सटेंस पे फोकस करना है, क्योंकि यही प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होता है और ये एलिमेंट फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बट जाता है। तो हमें मेटल के बारे में पढ़ना है और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया कि एक्चुअली में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कहां पर मेटल नॉन मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। अगर हम मेटल के बारे में बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल पहले सेलेक्ट करते हैं मेटल का। तो मेटल में जैसे आयरन हो गया, है कि नहीं, जिसको Fe से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, Al से डिनोट करते हैं। सोडियम हो गया आपका, सोडियम Na से डिनोट करते हैं। पोटासियम हो गया आपका, पोटासियम को K से डिनोट करते हैं हम लोग, राइट। ये कुछ मैं एग्जांपल आपको सेट करके दे रहा हूं यहाँ पे। नॉन मेटल के एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो नॉन मेटल में क्या जाता, कार्बन हो गया आपका, है नी, कार्बन हो गया, सी से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन हो गया आपका, ओ से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन हो गया आपका, इस तरह से आयोडीन हो गया आपका, ये सब के सब नॉन मेटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ईटीसी कर देते हैं और यहाँ ईटीसी कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने देखा मेटल और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल। मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं यहाँ पे। खैर हमें मेटलॉइड के बारे में अभी जानकारी नहीं लेनी है, हमें मेटल नॉन मेटल के बारे में जानकारी लेनी है। सो मेटल के जब हम बात करते हैं तो मेटल, मेटल में हमें क्या पढ़ना होता है, फिर मेटल में हमें यहाँ पढ़ना होता है मेटल पढ़े या नॉन मेटल पढ़े, ये दो चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज आपको जो पढ़नी होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैं जो बताऊंगा आप ध्यान से देखना क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो है, मेटल जो होता है वो आपके, ये समझो कहां से स्टार्ट करूं मैं, चलो जहां से भी मन कर रहा हूं वहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मैलिएबल होता है। क्या होता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब बीटन इंटू सीड्स, यानी कि आप इसको, मैं लिख देता हूं बीटन इंटू सीड, सीड्स सीट लिख देता हूं मैं, यानी कि इसको आप पीट पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे ट्रंक बनते हैं, ड्राम बनते हैं, बहुत सारे बक्से बनते हैं, तो जो लोहा का बनता है, एल्युमिनियम का बनता है, उसको पीट पीट के चादर के रूप में बना देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसको मैलिएबल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। पटाखे का आनंद लीजिए, पटाखे छूट रहे हैं और मुझे लगा आज कर देते हैं, एंजॉय लीजिए, पटाखे का बैकग्राउंड में खूब सुनाई देगा आपको। और बाकी यहाँ पर फोकस करते हैं, तो यहाँ इस प्रॉपर्टीज को हम लोग मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं और ये मैलिएबल कहलाता है आपका, राइट। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो डक्टाइल होता है। क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, ड्रॉ इंटू वायर, ड्रॉ इंटू वायर मतलब तार के रूप में इसको हम खींच सकते हैं, इसको डक्टाइल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ये कुछ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, 1 ग्राम सोने से। इसी कारण मैं आप बता देता हूं कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। ये सबसे, जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, मतलब गोल्ड के पास डक्टिलिटी ज्यादा होता है। इसे सोचिए 1 ग्राम कितना होता होगा, फूंक मार देंगे तो उड़ जाएगा 1 ग्राम। और उस 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर समझते कितना होता, पैदल भी अगर चलेंगे आप और नॉर्मल स्पीड से भी चलेंगे तो 10 दूनी 20 मिनट तो कम से कम आपको लगेगा, या आधा घंटा मान के चलिए। तो 2 किलोमीटर का जो है 1 ग्राम में हो सकता है। इसीलिए जितने भी ज्वेलरी होते हैं उन सब में गोल्ड इस्तेमाल होता है,
सिल्वर भी अच्छा डक्टाइल होता है, इनसे छोटे छोटे हल्के हल्के आप बनवाते हैं, अंगूठी बनवाते हैं, कान का बनवाते हैं, नाक में बनवाते हैं, या बहुत सारे गले का सेट बनवाते हैं, जो भी आप बनवाते हैं, तो बड़े आराम से ये मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का यूज करके वहां पर बहुत सारे ज्वेलरी बन जाते हैं। तो ये मैलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ और मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ मेटल का, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप लक्सर्स होता है, यानी चमक होता है, ठीक है, इसको चमक कहते हैं, मेटल्स में चमक होता है आपका। इसके अलावा मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होता है, यानी कुछ एक्सेप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर होता है। अब देखिए, जो गुड कंडक्टर होता है दो चीजों में होता है, एक गुड कंडक्टर हीट का होता है और दूसरा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है। एक तो गुड कंडक्टर किसका होता है, हीट का होता है, और दूसरा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो इन दोनों ही चीजों को जरा हम क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कोई भी मेटल, जैसे लोहा आप ले लीजिए, तो लोहा एक तो सॉलिड होता है, लोहे में चमक होती है कि नहीं होती है। और जो लोहा, अगर एल्युमिनियम लोहा कुछ भी आप लेते हैं, तो हीट का गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि अगर आप लोहे का कोई भी रॉड लेते हैं या कुछ लेते हैं जिसके एक एंड को आप किसी भी फ्लेम या आग पर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, दूसरे हैंड को आप होल्ड करके पकड़ के खड़े होते हैं, तो बड़े आराम से वहां वाली हीट ट्रांसफर होकर आपके हाथों में आ जाती है और आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जितने भी तार बनाए जाते हैं, वायर होते, सब मेटल के होते हैं। या तो देखते मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो पूछता कौन सा तार चाहिए, तांबा का तार चाहिए आपको, एल्युमिनियम का चाहिए, तो एल्युमिनियम का थोड़ा सस्ता होता है, तांबा का थोड़ा महंगा होता है। आप जो लोहा का भी तार वायर आप ले सकते हैं, लेकिन लोहे का वायर ज्यादातर इस्तेमाल होता है जैसे किसी चीज को कसना हो, किसी चीज को करना हो उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं इस्तेमाल होता है, मेन आपका कॉपर का एल्युमिनियम का होता है यहाँ पर। ये गुड कंडक्टर वाली कहानी हो गई। और कोई बच गया क्या, मैलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, लक्सर्स हो गया, सॉलिड हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, सॉलिड भी हो गया। चलिए, ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कुछ चीजें और बची है, बाकी जो बचेगी धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, हम लोग बात करते हैं, यदि हम नॉन मेटल की बात करते हैं यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो इसके उल्टा आप कर देंगे, मैं लिख देता हूं, अपोजिट ऑफ मेटल्स, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स। क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तो अगर आप अपोजिट कर देंगे, किसका अपोजिट कर देंगे, मेटल्स का अपोजिट कर देंगे, तो डेट इज व्हाट, डेट इज नॉन मेटल। जैसे देखिए, ये मैलिएबल है तो ये मैलिएबल नहीं होगा, आप जैसे इस पे हथौड़ा मारेंगे टूट जाएगा ये। दूसरी चीज देखिए, ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल नहीं होता है। आप कोयला देखिए, कोयला नॉन मेटल है, क्या उसको तार के रूप में खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड स्टेट में जनरली होता है। ये हार्ड होता है, मेटल देखिए एक चीज प्रॉपर्टी छूट गया, ये हार्ड होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये हार्ड होता है लेकिन ये हार्ड नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ एक्सेप्शन भी आपको पढ़ना है। वो क्या एक्सेप्शन है मैं यहां पर आपको बताता हूं, क्या क्या एक्सेप्शन आपको पढ़ना, समझिएगा मेरी बात ध्यान से जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एक्सेप्शन जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है बच्चों, कि जो मैंने आपको बताया मेटल्स जो है क्या होता है, मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। लेकिन सोडियम और पोटासियम ऐसे मेटल्स होते हैं, सोडियम Na एंड पोटासियम K, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत वेरी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसके बड़े आराम से चाकू से काट सकते हैं। और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसे किरोसिन ऑयल में इसे डुबो कर रखा जाता है। एक्सेप्शन नंबर टू, अगर दूसरे एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी Hg, मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एट रूम टेम्परेचर
तो रूम टेम्परेचर पर जो है मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है, और ये मरकरी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मरकरी आपको देखने को मिलता है जो थर्मामीटर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो आपको पारा जिसको कहते हैं हिंदी में, वही मरकरी होता है ये। और एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, कुछ एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एक्सेप्शन है, हम एक एक करके एक्सेप्शन को जरा देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया, एक्सेप्शन बता दिया, चलिए आगे एक्सेप्शन में आपको बताता हूं। लिथियम भी जो होता है वो भी सॉफ्ट होता है, मैं लिथियम का भी नाम लिख देता हूं, लिथियम भी सॉफ्ट में आता है, लिथियम LI, ठीक है, लिथियम भी सॉफ्ट होता है यहां पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या एक्सेप्शन में आते हैं या नहीं आते। देखिए अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट नॉन मेटल, देन व्हाट, यहां पर आपको एक चीज ये मिलती है कि यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपोजिट ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, दैट मीन व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है तो सारे नॉन मेटल को सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सारे के सारे नॉन मेटल को सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन कार्बन के टू एलोट्रॉप्स हम लोग बोलते हैं, एक डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड तो आप जानते हैं कितना महंगा होता है, डायमंड की रोबरी भी अब फिल्मों में दिखाई जाती है, और ग्रेफाइट जो आपका होता है वो ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल में जिससे आप लिखते हैं वही ग्रेफाइट होता है। तो अभी देखिए दोनों ही एक्सेप्शन को तोड़ देता है, कैसे तोड़ देता है समझिएगा मेरी बात ध्यान से। नॉन मेटल की दुनिया में, नॉन मेटल की दुनिया में कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और कोई भी नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होता है, लेकिन कार्बन के जो दोनों बेटे हैं, एक हीरा सिंह और एक ग्रेफाइट सिंह, इन दोनों ने कहा कि मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा कि भले ही कोई और नॉन मेटल अपनी प्रॉपर्टी दिखाए, लेकिन हम दोनों भाई मेटल के प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टी तो नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी में आ जाता है, जैसे कि अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, यहां पर ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि इसके बिरादरी के जो लोग हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये दोनों के दोनों जो बताया, ये मेटल के बारे में बताया, अब ये मैं नॉन मेटल के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं चौथा एक्सेप्शन बात करूं, तो इसी का जो भाई है, इनके पिताजी कार्बन है, तो इसी का जो भाई है डायमंड, इसी का जो भाई है वो डायमंड है। अब डायमंड क्या होता है, देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड क्या होता है, वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है भाई, बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है। मैं तो एग्जांपल के लिए कहता हूँ, किसी के सर पे मार के देखो डायमंड से, है मम्मी को बोलना पापा को बोलना हमें 2 लाख का डायमंड चाहिए, किसी के सर पे मारना ऐसे करके, अगर उसका सर फूट जाए फट जाए जो भी हो जाए तो डायमंड मतलब ये डायमंड आप रख लो, करोगे ऐसा क्या सर, कुछ भी आप बोल देते हैं, सबसे पहले हम खुद ही ना रख लेंगे, केवल चेक करने के लिए कि वो हार्ड है कि नहीं, ऐसा काम करेंगे हम लोग। कई लोग कहते हैं सर मेटल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, चलो मेटल तो समझ में आता है, ग्रेफाइट करता कि नहीं करता, मैंने बोला बहुत सिंपल है, पेंसिल दोनों तरफ से नोक बना लो, एक नोक को पकड़ लो दूसरे नोक को करंट में डाल के देखो, झटका लगेगा तो समझ जाना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वरना नहीं करता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला बात करते हैं, देखिए आयोडीन होता है, देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन जो अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में क्या होता है, चमक होता है, आयोडीन चमकीला होता है, लक्सरस होता है, ये आयोडीन में चमक होती है, मैं लिख देता हूं आयोडीन में चमक होती है। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये कुछ अपवाद मैंने बताया जो आपको याद रखना है, बाकी ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आइए हम जरा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, और एसिड बेस में मैं आपको ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में आपको बता देता हूं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर ये करेगा और कैसे रिएक्शन करता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, सीबीएसई वालों का इस साल जो है नहीं आ रहा, तो बाकी आप लोग का जो पढ़ना है NIS वाले का, तो मैं इसके नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो पार्ट में अपलोड नहीं करूंगा, अपलोड हो चुका है एक्चुअली, वो है 12th का, 12th वाले में वो सिलेबस में है ही नहीं उनका,
तो वो जो मैंने कंटेंट बताया था वो 10th का ही पूरा था, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपसे अपलोड होने के बाद दे दूंगा, तो वहां आप जाके अगला जो देख लेंगे ना, कैसे जो किस तरह से हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल होता है, किस तरीके से हम मेटल्स को करते हैं, तो सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएगी, राइट। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, जरा केमिकली बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज आ रही होगी क्योंकि दिवाली है, और फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैंने सोचा कि यार बना ही लेते हैं वीडियो, कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। क्या बात है, इंटरेस्टिंग बात है, दिल्ली में पटाखे बैन थे, दिल्ली में पटाखे बैन थे, लेकिन आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि पटाखे केवल बेचने वालों के लिए बैन है, बाकी स्टेट से तो आ ही जाएंगे, यूपी वगैरह बगल में आ जाता है, और एक दिन का पर्व त्योहार है, क्यों नहीं पटाखे छोड़ेंगे, छोड़ना ही चाहिए पटाखे। एक दिन में 1% पॉल्यूशन पटाखे से, तो बाकी 99% पर जो ज्ञान देते हैं उनको समझना चाहिए। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, यहाँ बात करते हैं। मैंने पटाखा नहीं छोड़ा है वैसे, मैं छोड़ता भी नहीं हूँ जल्दी, बहुत कम पटाखे छोड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि केमिकल केमिकल हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम बात करते हैं जिसमें रिएक्शंस पढ़ना होता है, हमें वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है, रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। सो रिएक्शंस मींस व्हाट, सबसे पहले हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी देखिए, सबसे पहले देखिए मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में जानते हैं। देखिए आप पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे, इसको आप ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, नंबर वन आपको ध्यान रखना, जितने भी मेटल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, जितने भी मेटल हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो बना देंगे आपको मेटल ऑक्साइड। क्या बना देंगे, ये आपको बना देंगे मेटल ऑक्साइड बना देंगे, ये आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, ये तो बहुत सिंपल सा है, जितने भी मेटल होते हैं कितने साफ सुथरे से नए नए आते हैं, चमकदार एकदम तरीके से आते हैं, सुंदर सुंदर बन के आते हैं, और मेटल ऑक्सीजन घूम रहा होता है ऐसे करके, ऐसे घूम रहा होता है, और जहां देखता है अरे ये तो नया मेटल आ गया है, अब उसको कैसे उसका कलर खराब करे, कैसे उसको जो है पुराना कर दे, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बना दे, तो उससे जाके दोस्ती कर लेता है और बना देता है मेटल ऑक्साइड। देखिए शराबी वगैरह जो होता है, जिसके टच में जो शराब नहीं भी पीता वो भी शराब पीना शुरू कर देता है, जो तंबाकू नहीं भी खाता उसको ठोक के ऐसे करके, और लीजिए जी थोड़ा सा खाइए लीजिए, और आपको बुरा सा कर ले खा लेता है। सिगरेट फूकने वाला ऐसे फूकेगा, बोला थोड़ा सा फूक लो यार क्या देख, तो वो जो होता है साथ में रहने का, तो ये मेटल जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब मेटल के साथ मिलता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अभी बोर्ड का किनारा जो आपको दिख रहा है ये एल्युमिनियम का है, लेकिन इसकी चमक उतनी नहीं है, नए में खूब चमकता है, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन जब इसके साथ हो गया, इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम लोग पेंट या ग्रीस लगा के रखते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन में, इसको ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं, आप देखिए कई तरह की चीजें हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल लेके जरा इसको क्लियरिफाई करते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए अगर हम मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैं क्या एग्जाम्पल लू, चलो कॉपर लेता हूँ मैं, तो कॉपर लेता हूँ, ये Cu हो गया और ये प्लस ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से जिंक लेते हैं, अगर मान लो ये जिंक हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया तो जिंक ऑक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीजन ले लिया, देखो मैं गलत ले रहा हूँ, O2 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी आप इसको बैलेंस कर लो कि ये मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये एल्युमिनियम हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या होता है एल्युमिनियम, क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा एज वेल एज ये बेस की तरह भी बिहेव करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो इस तरह से ये हम चीजें हमने सीखा यहां पर कि किस तरीके से यहां पर ये चीजें होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि क्या मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या यहां मैं लिखता हूं जो मेटल्स होते हैं क्या वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, सेकंड नंबर जो मेटल्स होते हैं
ठीक है, जो मेटल्स होते हैं क्या वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? क्या ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? क्या बिल्कुल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, और जो प्रोडक्ट बनाएगा, मैं प्रोडक्ट भी आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यहां मेटल का ऑक्साइड में ले लूं, अगर मैं यहां पर मेटल का ऑक्साइड ले लूं, अगर मैं मेटल का ऑक्साइड यहां पर ले लूं और यहां अगेन इसको वाटर से अगर रिएक्शन करवाऊं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये सब कैसे आप याद रखेंगे, इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं। देखिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का अगर ब्रेक करेंगे तो एक टूटेगा H में, एक टूटेगा OH में। समझिए मेरी बात ध्यान से, किसमें टूटेगा? H में टूटेगा और OH में टूटेगा। तो अगर ये मेटल है और ये वाटर यानी H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप ध्यान समझेंगे, यहां से आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ H2 कर सकते हैं, O कर सकते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बना दिया और ये H2 बाहर निकल गया। लेकिन जब आप मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन है और यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना देगा? OH बना देगा। OH का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वही मेटल ऑक्साइड के साथ अगर वाटर रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके बिहार पर भी आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, राइट। तो यहां से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको यहां पर जाननी है, समझनी है, क्या क्या चीजें आपको जाननी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। जैसे कि अगर आप पोटासियम और सोडियम की बात करते हैं तो ये ठंडे जल के साथ बहुत बहुत फास्ट रिएक्शन ये कर लेते हैं, सोडियम और पोटासियम, और इतना हाई, इतना फास्ट होता है कि आप बोल सकते हैं इसमें हीट भी बाहर निकलती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करते चलता हूँ। ये देखिए, NCERT का बुक मैंने ले रखा है, 10th क्लास के NCERT का बुक है यहाँ पर, तो कुछ पॉइंट देखते हुए चलते हैं यहाँ पे, और बाकी अब NIS वाले का भी एक बार जब ये हो जाएगा तो एक बार देख ले, कुछ छूटा तो नहीं है, तो उसके अगले पार्ट में हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। इसको समझते हैं थोड़ा सा, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। सोडियम और पोटासियम की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम की बात कर रहा हूं एंड पोटासियम की बात कर रहा हूं। तो सोडियम और पोटासियम किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक जो थर्मिक रिएक्शन का मतलब यहाँ हीट बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हीट बाहर निकलता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगले पॉइंट की जब हम बात करते हैं, समझिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन अगर आप बनाएंगे तो कैसा रिएक्शन बनेगा? देखिए, सोडियम होता है Na और वाटर हो गया H2O। तो जब रिएक्शन होगा यहाँ पे तो वही मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या बन गया आपका? अगर आप मेटल ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये मेटल डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देता है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका बना देता है NaOH, NaOH बना देता है और H2O बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है ये। इसके अलावा अगर आप इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, पोटासियम पे आते हैं, और ये अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो ये क्या बना देगा? ये KOH बना देता है, और प्लस ये आपका क्या हो गया? H2 गैस बाहर निकालेगा। अगर OH यहाँ आ गया तो H2 हो गया, यहाँ भी आपका H2 गैस बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलता है, और प्लस यहाँ पर ये एनर्जी बाहर निकलता है, ये एनर्जी अपना लिबरेट करता है, बाहर निकलता है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे अगर आप कैल्शियम लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वाटर के साथ कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्लो होता है अगर कैल्शियम का आप लेते हैं तो, जबकि एल्युमिनियम, लोहा एंड आयरन और जिंक जैसे जो मेटल्स होते हैं ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं,
तो मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पर कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, मैं लिख देता हूं यहां पर, को वाटर के साथ में जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, स्लो होता है अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो। जबकि अगर आप यहां पर नोट करेंगे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन एंड अगर जिंक की बात करते हैं तो इनका जो रिएक्शन होता है ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। समझिए मेरी बात ध्यान से, कि रिएक्शन करते किसके साथ हैं, तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, भाप जिसको आप कहते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं ये, कौन, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये भाप के साथ रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। और नॉर्मल इक्वेशन यहाँ बनेगा अगर आप इनको छोड़ के इस फॉलो को हम कर सकते हैं, यानी आप एल्युमिनियम आप लेते हैं और H2O लेते हैं यहाँ पे, तो ये बना देगा Al2O3 और प्लस क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन, यानी कि H2 यहाँ गैस बन जाएगा। इसी तरीके से आयरन, जिंक सबके साथ ये ऐसे ही यहाँ पर ये बनेगा। बाकी बात रही एसिड के साथ में, तो एसिड के साथ में लगभग मैंने आपको लास्ट एसिड बेस में ही बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिया था कि एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं ये, मैं आपको मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जो मेटल होते हैं बच्चों उसका नेचर बेसिक नेचर होता है। तो जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी थर्ड वाला, यहां वाला थर्ड, ये थर्ड वाला, अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाएंगे, डाइल्यूट समझते हैं ना, जो पतला एसिड होता है जिसमें वाटर मिला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाते हैं, एसिड बेस में बता चुका हूं, तो यहां पर ये बना देगा सॉल्ट और प्लस क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन यहां पर बना देगा यहां पे। तो यहां अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, क्या आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। एक मैं एक्वारिजिया आपको बता देता हूं, एक्वारिजिया क्या होता है, इसमें 3:1 होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है ये एक्वारिजिया। मैं आपको बताता हूं एक्वारिजिया में क्या होता है, ये सुनार लोग करते हैं, 3:1 का रेशियो होता है जिसमें तीन पार्ट होता है HCl का और एक पार्ट होता है HNO3 का, और ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, याद रखना ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो इसके अंदर जो है गोल्ड वगैरह जब डालते हैं तो बड़ा क्लीन होता है और साफ हो जाता है, इसको एक्वारिजिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो खैर ये सुनार लोग रखते हैं, तो हमारा इसे कोई विशेष नहीं, बस छोटा सा एक पूछता जो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये रिएक्शन में धातु के साथ कैसे करते सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है आपको, चलिए बाकी चीजें तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा आपको ये समझना है कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेटल्स दूसरे मेटल्स के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर लिख देता हूं, और उस रिएक्टिविटी सीरीज आपको 12th क्या लाइफ में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक वहां इस्तेमाल आपका होगा। तो चलिए इसको जरा फटाफट हम रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं, क्या रिएक्टिविटी सीरीज है। तो मैं कुछ चीजें लिखूंगा जो आप ध्यान देना, मैं क्या क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, काना, काना है कोई, है ना, ट्रिक में लिख रहा हूं, काना का मामा जी, काना का मामा जी, उनके मामा जी को डायबिटीज है, आलू, जंक फूड, सब छोड़ो, आलू जंक फूड पाबंदी है, ठीक है। वो कहते हैं क्यों, तो कहते हैं हाँ जी, फिर वो कहते हैं अच्छा जी, और ये फिर कहते हैं आओ, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है कि काना का मामा जी, कोई काना है उनके मामा जी हैं, तो उनको डायबिटीज है, तो क्या क्या माँ पाबंदी है, आलू जंक फूड पाबंदी है, तो वो कहते हैं क्यों, मामा जी कहते हैं क्यों, तो बोलता है हाँ जी, तो बोलता है अच्छा जी, फिर बोलता है आओ। वैसे आओ से मुझे शक्ति कपूर का हो जाता था, वो क्या बोलता आओ, अजीब तरीके से वो बोलता है ना, तो यहां पर इसको ध्यान रखना। अच्छा इनसे क्या क्या टर्म आता है, जरा इसको टर्म को देख लेते। देखिए का मतलब आता है के मतलब पोटासियम, के मतलब पोटासियम आता है यहाँ पे, ना का मतलब आता है Na, ना का मतलब सोडियम आता है यहाँ पर, क्या आता है सोडियम आता है, फिर का आता है यहाँ पे, का मतलब यहाँ कैल्शियम हो गया Ca,
ठीक है, ये आपको रट लेना है। मामा जी का मतलब Mg हो गया, मैग्नीशियम। क्या हो गया बच्चों? मैग्नीशियम हो गया। आलू का मतलब एल यानी एल्यूमिनियम हो गया आपका। क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। जंग का मतलब Zn यानी कि जिंक हो गया आपका। फूड का मतलब Fe यानी आयरन हो गया आपका। पाबंदी का मतलब Pb जिसको लेड हम लोग कहते हैं, ठीक है। है का मतलब H यानी हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्यों का मतलब Cu यानी कॉपर हो गया आपका। हाजी का मतलब Hg यानी मरकरी हो गया आपका। इस अच्छा जी का मतलब Ag, Ag मतलब एक गधे नहीं सिल्वर होता है। और आओ का मतलब Au मतलब गोल्ड होता है। इसलिए एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है पोटासियम और सोडियम, ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। इतना हाई रिएक्टिव ये होता है कि इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है ये, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। यानी आप समझिए कोई चोरी करना चाहेगा और ऐसे निकालते ही वो जलना शुरू हो जाएगा, इतना हाई रिएक्टिव होता है। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर सोडियम पोटासियम वाटर से रिएक्शन करके फटाक से रिएक्शन कर लेता है, यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ में। इसके अलावा देखिए सबसे नीचे आप देखेंगे तो सोना और चांदी है, चांदी और सोना है, यानी कि सबसे लास्ट में गोल्ड आता है। ये इतने लो रिएक्टिव होते हैं, कि इसीलिए इनपे बहुत लंबे समय तक चमक बनी रहती है और जल्दी ये इनकी चमक खराब नहीं होती, लक्सरस होते हैं यहाँ पे। बाकी ये बीच वाले हैं। अच्छा, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए अगर आप कोई भी रिएक्शन बात करते हैं, जैसे मान के चलिए ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो अगर मैं कोई इक्वेशन आपको बोलूं, सपोज कीजिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, मैं देता हूं CaOH का होल ट्वाइस और मैं यहां पर प्लस करके मान के चलिए मैं Na कर देता हूं। क्या करता हूं? Na कर देता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका यूज होता है। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये Na जो है, क्योंकि Na ऊपर है कैल्शियम से, तो इसका नेगेटिव पार्ट ये ले लेगा, और जब नेगेटिव पार्ट ले लेगा तो क्या बना देगा? NaOH बना देगा और ये कैल्शियम हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैंने जो लिया था CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसके साथ में मान लो मैं मैग्नीशियम को ले लेता, अब मैं पूछता कि क्या ये रिएक्शन होगा? तो क्योंकि कैल्शियम ऊपर है और उसके नीचे मैग्नीशियम है, दैट मीन व्हाट? मैग्नीशियम इज लो रिएक्टिव देन कैल्शियम, सो मैग्नीशियम इसका ये नहीं ले सकता है, सो नो रिएक्शन या रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को यहां पर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई होगी। अब एक टॉपिक यहां पर जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन आपस में करते हैं उसको समझते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड के जरिए रिएक्शन करते हैं और इसके कुछ चीजें हम लोग समझते हैं और जानते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, और उसके बाद अपना हम वीडियो को बाइंड अप कर लेंगे। तो अगले 5 मिनट में हम लोग समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे कंबाइन होते थे। सब मैं मिटा देता हूं, आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इन सबको मिटा देता हूं और मिटा के यहां पर इसको करते हैं। पटाखे की आवाज कम हो गई क्या भाई? छोड़ने वाले छोड़ो छोड़ो पटाखे, देखो पटाखे की आवाज कम गई, आ गई आवाज। देखिए कैसे होता है, जब हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं कि भाई आपस में कंबाइन होते कैसे हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते कैसे, इसको थोड़ा सा क्लियरली हम लोग समझते हैं। तो इसको समझते एक होता है आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखिए बॉन्ड दो तरीके का होता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन जब शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो वो इसमें भी है नहीं, तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। और आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं।
बच्चे एक चीज याद रखना, आयनिक का मतलब होता है आयंस में बनना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला शायद बता चुका हूं, ये सब सिखा चुका हूं, आप इसको समझ सकते हैं जाके, या मेरे बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो भी डाल रखा है, उसमें भी आप देखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए सोडियम की बात करते हैं, समझिएगा, सोडियम जो है सिंबल Na है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन कितना होगा, 11 प्रोटॉन होगा। समझिएगा इसमें मेरे बात ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग अरेंज करते हैं, प्रोटॉन को तो नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं के एल और एम में, के सेल एल सेल एम सेल, तो ये हो गया 2, ये 8, और यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया। यानी कि इसको आप ऐसे करते हैं, ये बीच में हो गया एन प्लस पी, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, दूसरे सेल में क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और तीसरे वाले सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कम से कम लास्ट वाले में ये सोचता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे कि हम स्टेबल हो जाए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां हो नहीं सकता है, कौन अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसीलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव कर देता है, यानी किसी ऐसे को क्या करता है, डोनेट कर देता है, डोनेट करता है, डोनेट मतलब किसी को दे देता है ये। और केमिस्ट्री का एक रूल है, जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पे जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो लेने वाला होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहीं पर यदि हम लोग क्लोरीन की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, देन क्लोरीन इज व्हाट, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पर, जिसका सिंबल क्या होता है, Cl होता है, और एटॉमिक नंबर 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है, तो के एल एम में ब्रेक करेंगे तो 2, 8 और ये 7 हो गया, यानी ऐसे ही आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। सो वट, यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना आसान है यहाँ पर है, तो ये जो डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर Na और Cl का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे दिखाते हैं, ये देखिए सोडियम है, सोडियम में या किसी भी मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक डॉट दिखाता हूँ, और ये Cl देखिए, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा Na प्लस बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये Cl माइनस बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से अब ये बन जाएगा NaCl। यानी अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग काम कर रही है वो कौन सी बॉन्डिंग काम कर रही है, आयनिक बॉन्डिंग काम कर रही है, और ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं, किस चीज से कंबाइंड होते हैं, तो ये कंबाइंड होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड से कंबाइंड होते हैं। यहाँ पे और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको लेकर दिखा सकता हूँ। सपोज कीजिए आपको मैं मैग्नीशियम का अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम यहाँ पर, तो मैग्नीशियम Mg होता है, और Mg मतलब 12 है, 12 का मतलब के एल एम में तोड़ेंगे तो 2, 8 और 2 हो गया। यानी यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है नहीं, कंप्लीट करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं इसे, तो इसीलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है यहाँ पे। अब यहां पर अगर आप समझिए, यहां पर अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता मैग्नीशियम के साथ में, तो ये मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो यहां पर 2 क्लोरीन आएगा, फिर कितना क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, तो 1 यहां दे देगा ये, और 1 ये यहां पर दे देगा। सो यहां से क्या बन जाएगा, ये यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये Mg 2 प्लस बन जाएगा, और यहां पर ध्यान देखिएगा तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा, ये 2Cl माइनस है, ये 2Cl माइनस बन रहा है। सो यहीं से ये MgCl2 बन जाता है, यानी 2Cl हो गया, MgCl2 का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है ये। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहां पर बन गया। ऐसे ही आप चाहें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना सकते हैं, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। तो क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कंप्लीट ट्रांसफर होती है, यानी कि पूरी तरीके से डोनेट कर देते हैं, तो बॉन्डिंग बहुत तगड़ी बनती है, और तगड़ी बॉन्डिंग बनने की वजह से इनके बीच में दोस्ती बहुत गहरी होती है। तो जब आप चाहते हैं कि वापस NaCl से Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, तो इसके लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये अलग होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसके पीछे रीजन यही है। और बाकी आप कुछ प्रॉपर्टीज और है जो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें दिया है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, और वाटर में ये डिजोल्व हो जाते हैं और किरोसिन पेट्रोल वगैरह में डिजोल्व नहीं होते हैं ये, और ये बड़े आराम से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये वापस टूटेंगे Na प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा Mg2 प्लस और Cl माइनस में, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो ऑलरेडी ये क्या करेगा, कंडक्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में बताया। बाकी वीडियो का लेंथ भी देखिए ध्यान से कितना हो गया, 44 मिनट्स का हो गया। तो बच्चों आज का हम यहीं पर अपने क्लास को बाइंड अप करते हैं। देखिए 11:30 टाइम भी हो गया और कमरा काफी धुआं धुआं सा हो गया, इतने पटाखे छूटे हैं बाहर में, अब पटाखे थोड़े कम हो गए। तो खैर कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ाई आपकी जारी रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाली चीज़ें दे दूंगा जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स वगैरह का चीज़ें उसमें जानकारी है, तो आप देखेंगे उसमें रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह का इस्तेमाल होगा। तो खैर आगे तो आगे चलता ही रहेगा, और मेहनत आप ऐसे ही करते रहें, और ऐसे ही जो है थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको आगे तक ले जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।